हे गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इंस्टाग्राम पर, क्योंकि आज हम आपको दो सेटिंग बताने वाले हैं, वो कौन सी है जो आपके इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल बना सकती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको बेहतरीन तीन सेटिंग, जो करने के बाद आपका इंस्टा अकाउंट बहुत ही शानदार, बहुत ही सुपर दिखने वाला है। और आपके जो इंस्टाग्राम अकाउंट की पुरानी आईडी है, यदि आप उसका पासवर्ड भूल गए तो कैसे उसको भी रिकवरी करना है, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है। तो वीडियो को फुल देखना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको मेन होता है सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम का पासवर्ड, जो आप बार बार भूल जाते हैं। मोबाइल पर कैसे सेव करते हैं वो भी बताऊँगा। यहाँ पर मैंने यूज़र नेम पर ईमेल या फ़ोन नंबर मांगता है, तो यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम डाल देना है, जो भी आपका इंस्टाग्राम यूज़र नेम है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, दूसरा मिलेगा SMS OTP वाला, और नीचे लिखा है एंटर पासवर्ड टू लॉग इन। आपका यदि इंस्टाग्राम पासवर्ड याद नहीं है तो उसको कैसे नया बनाना है वो आपको बताता हूँ। यहाँ बीच वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपके मोबाइल पर SMS आएगा। तो यहाँ पर SMS पर मैंने क्लिक कर लिया है। जैसे इस पर क्लिक किया, आप ऊपर देख सकते हैं नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पर आ चुका है। ये रिप्लाई वाले ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ शटर खींचकर, तो इस पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर एक लिंक आई होगी, आप इस लिंक पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल के क्राउम ब्राउज़र इंस्टाग्राम पर चले जाएंगे। तो आप यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा है न्यू पासवर्ड और न्यू पासवर्ड अगेन, तो आपको सेम दोनों में पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैं कोई सिंपल सा अपना एक फेवरेट सिंपल सरल तरीके से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। आप भी अपने किसी का भी नाम डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं ना। और यहाँ पर रिसेंट पासवर्ड पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका नया पासवर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे ऊपर सेव पासवर्ड है, उसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ तक आप पहुँच चुके थे ना, तो यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशन है आप सभी को ऑन और अलाउ पर क्लिक करते जाना है। आपको चार बार पांच बार जितना भी आए आपको करते जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम लॉगिंग हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर बात आती है कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे प्रोफेशनल बनाएं। तो अभी आप खाली खाली देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आगे बता रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पर मेरे को डालना है आर्यन बर्मन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैसे डाला, ये आर्यन बर्मन बॉक्स में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्राउम ब्राउज़र, आपका जो मोबाइल का क्राउम ब्राउज़र है, यहाँ पर आने के बाद आपको पहले मैं टेक्स्ट कुछ कॉपी करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे सर्च करना है। तो यहाँ पर मैंने आर्यन और यहाँ पर मैंने बर्मन करके टिक कर लिया है। यहाँ चेंज नेम पर भी आ चुका है, ठीक है, ये मेरा नाम डल चुका है। अब यहाँ पर बायो होता है, जो आप कोई किसी के भी इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हैं तो बहुत ही शानदार दिखता है कि ये कैसे लिखा है। तो आपके अपने मोबाइल के क्राउम ब्राउज़र पर आना और इंस्टाग्राम बायो हिंदी ये डालकर सर्च कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारी लिंक आएंगी, आप कोई भी लिंक पर क्लिक कर लेना। और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे बायो आ जाएंगे, 555 प्लस बेस्ट इंस्टाग्राम बायो हिंदी पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आ चुका है। तो यहाँ मैं फटाफट कोई सा भी नाम पढ़कर एक सेलेक्ट कॉपी वाले ऑप्शन में लिखा है तो कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर दूंगा बायो में। तो यहाँ पर आपको आना अपने इंस्टाग्राम की आईडी पर, एडिट पर क्लिक करेंगे और बायो पर जाकर यहाँ पर मैं उसी को पेस्ट कर दूंगा जो मैं वहाँ से कॉपी किया था। और उसके बाद यहाँ पर आपको सुधार करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आया है नेम, ऑफिशियल अकाउंट, पगली, मोम डैड, है ना। तो आप यहाँ बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस डालें, कोई स्टडी करते हैं स्टडी डाल सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा कितना प्रोफेशनल अकाउंट दिखने लगा है। तो मेरे भाई, मेरे राजा, अब मेरे अकाउंट को भी प्लीज़ फॉलो कर ले।